गुड मॉर्निंग। तो मेरी मॉर्निंग तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, 6 बजे से उठ के आज मैंने अपने सारे अकाउंट वगैरह ढंग से अलाइन किए, पूरी एक्सेल शीट्स, पूरे जो भी इनवॉइसेस वगैरह सब फिल करके प्रॉपर पूरा बैकलॉग ख़त्म किया है मैंने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वाला बैकलॉग होता है वो। फिर मैं गई अपने पिलाटेस क्लास, जो मैं लास्ट वीक भी गई थी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि 2 दिन पिलाटेस करती हूँ, एक हफ्ते में 2 दिन पिलाटेस, 1 दिन दैट एंटी ग्रेविटी वाला, जो मैं यहाँ पे फोटो अटैच करती हूँ तुमको बताने के लिए कि क्या है वो, दे डिडंट अलाउ मी टू रिकॉर्ड, 1 दिन एंटी ग्रेविटी वाला और बाकी 3 दिन नॉर्मल अपना कार्डियो, ट्रेडमिल रनिंग एंड ऑल, और 1 दिन छुट्टी। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ, पर बहुत ही अच्छा एक्टिव दिन शुरू हुआ है मेरा। तो पिलाटेस करने के बाद फिर आते से तुरंत मैं नहा धोकर रेडी होकर अब निकली हूँ। मेरे को सिद्धांत के साथ आईकिया जाना है, उसको आईकिया से कुछ चीज़ें खरीदनी है, मैं भी चले जाती हूँ, उनको भी घर के लिए चॉपिंग बोर्ड, डिनर प्लेट्स और ये सब चीज़ें लेनी है। तो देख लूँगी अगर वहाँ कुछ अच्छा सस्ता मिलता है तो ले लूँगी। तो हम लोग अभी आईकिया जा रहे हैं जो 1 घंटा दूर है, एंड उसके बाद फटाफट आईकिया का 1 घंटे में काम खत्म करके वापस आना है। फिर जाना है मुझे मेरे क्लब में, कॉमेडी क्लब में, एंड मेरा स्पॉट है तो आज परफॉर्म करना है। तो आज का दिन का स्केड्यूल ये है, और फिर ये दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू बी सीइंग इन द वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। तुम लोग को यहाँ का आईकिया दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिलती है, कितने में मिलती है सब, और शो का भी देखती हूँ, थोड़ा बहुत स्निपेट डालने का ट्राई करती हूँ आज। अभी मैं चल रही हूँ स्ट्रेट ट्रेन की तरफ, बहुत ही अच्छा दिन है, पूरी भीड़ भड़क हो रखी है। सो विदाउट बोरिंग यू मच, चलो अब देखते हैं क्या आगे क्या होता है। दिस इज़ पेन स्टेशन, ये यहाँ का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट और वेल कनेक्टेड स्टेशन में से एक है। जैसे अपने यहाँ का अंधेरी स्टेशन हो गया मुंबई का मान लो, या फिर दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो हो गया वैसे। तो मुझे यहाँ पे सिद्धांत मिलने वाला है, उसके साथ फिर मैं निकलूँगी। कहाँ मिलने वाला था सिद्धांत मुझे? फाइनली आई हैव फाउंड सिद्धांत एंड हम लोग जा रहे हैं अब ट्रेन में बैठ के। कितने 50 मिनट की राइड है ना? 50 मिनट, हाफ एन आवर फ्रॉम यूर, हाफ एन आवर एंड देन वी हैव टू टेक अ बस। नो वी हैव टू टेक अ बस, वी आर बैक टू ब्रुकलिन लाइक यू हैड सीन अर्लियर इन द प्रीवियस व्लॉग्स। ये सिद्धांत हमारी बस ढूंढता हुआ, बट ब्रुकलिन इज अ वाइब यार, इट्स अ गुड वाइब, पर यहाँ रह नहीं सकते यार, मेरा रेस्टोरेंट वगैरह की थोड़ी कमी लग रही है और पता नहीं है, मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आया था, बट इट्स अ वाइब। सो वी आर हेयर एट आइकिया आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ट्रैवल, पता नहीं हमें इतना टाइम क्यों लग गया। ये आइकिया फर्निशिंग्स एंड दिस इज़ द होल एरिया, पूरे खाली मैदान में ही है। दिस इज़ सिद्धांत जिसको शॉपिंग करनी है, मैं तो ऐसे ही साथ में आई हूँ लटक के। मैं एक बार पहले भी गई थी पता है, सौरभ है मेरा दोस्त, वो इंडिया से आया हुआ था, उसको वहाँ जाना था वुडबरी फॉर दैट थिंग, हाँ आउटलेट मॉल शॉपिंग, उसके साथ भी मैं गई, कुछ खरीदा वरीदा नहीं मैंने, वैसे ही वापस आ गई बस। इट्स अ नाइस प्लेस, दिस इज अ नाइस स्टूल फॉर, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव सो वी विल नॉट टेक इट। Nice. चल कुछ खाते हैं यार, पहले भूख लग रही है। नाइस, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन आइकिया, सुबह से भूखे भूखे घूम रहे हैं, तभी कुछ खाने पहले खा लेते हैं। ये मशहूर आइकिया कैफे, सदान कह रहा है कि दिस इज सपोज टू बी very good, let's see. अरे यार बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत लंबी लाइन है। The fancy IKEA things, this is a cart which is supposed to keep your food trays here. और अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं,
काफ़ी लंबी लाइन है, पर जल्दी जल्दी मूव हो रही है तो होपफुली हम लोग खा के फिर शॉपिंग भी कर पाएंगे, क्योंकि 4 बजे निकलना है. इट्स ऑलरेडी 2:17. 4 बजे हमको निकलना है फॉर द शो. फाइनली हमारा नंबर आ चुका है. यू वांट मी टू पुट इट? दैट इज केक आलमंड एंड कैरमल एंड दिस गूई चॉकलेट केक इज व्हाट देन? Is it the chocolate that comes with it? Let's take this. I'm already tired of this life. It just doesn't end. And look at so many people behind us now after us. Kitne sare log aa gaye. Oh, finally, our food is here. चले? Absolutely love it when other people pay. It's my jam. ऐसे billing counter के पास जाके ऐसे धीरे धीरे movement करने लगती हूँ ताकि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा होकर पैसे दे दे. कह रहे तो बहुत ही डिफिकल्ट है टाइम्स. कप्स नहीं यार, और कप लेके आना है. First thing I bought was this basket for my bathroom. I love this dinner set. क्या यार, मैं ध्रुव के ऑर्डर करने से पहले क्यों नहीं आई, वरना मैं लेती. है ना, द कलर इज सो नाइस, इट्स वेरी हैवी. आई एम सरप्राइज्ड. मे बी सिंगल पीस का कोई और आइल होगा. बहुत भारी है भाई, मैं तो नहीं उठा सकते. I took this pot with lids, utensils. I don't know why am I buying so much stuff. Wow, shouldn't have come here. It's not a nice place to come, guys, if you don't have self-restraint or whatever that is called. बिहाइंड मी आर स्टोरेज बॉक्सेज जो अपने आप खस लगती है ना कूलर में, जिनको गीला करना पड़ता है. बचपन में डांट पड़ती थी, खस गीली करो, कूलर में पानी भरो. ये यहाँ पर दिख रहा है बास्केट $18 में बास्केट. हाँ पता है ये $18 की बास्केट है, पर आईकिया में सामान ओवरऑल चीप है, काफ़ी सस्ता है. मतलब मैंने तो काफ़ी चीज़ें ले ली है और मैं आई नहीं थी लेने के हिसाब से, उस हिसाब से आई थिंक काफ़ी सस्ता सामान है आईकिया में. सो आईकिया की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सबसे अच्छी मतलब फॉर द कंपनी नॉट फॉर अस, कि आपको एक बार अंदर घुसते हो तो पूरा घूमकर ही वापस आना पड़ता है. तो मतलब आपको कुछ नहीं भी देखना है तो आपको देखना पड़ेगा ताकि आपका मन चले खरीदने के लिए और आप खरीद लो. जो मेरे साथ हुआ, ये देखो मेरी कार्ट. मैं आई थी कुछ ना खरीदने के हिसाब से, पता नहीं क्या क्या खरीद लिया. दिस इज माई कार्ट. सिद्धांत जो आया था चीज़ें खरीदने के हिसाब से, उसने बहुत कम चीज़ें खरीदी. मुझे लॉन्ड्री बास्केट भी चाहिए पर ये सब बहुत महंगी है, सो आई एम नॉट टेकिंग दैम. नाइस क्यूट, जो अपने सांप रखते हैं ना इसके अंदर, क्या बोलते हैं उनको, सपेरे. ये देखो.
ये है हमारा आइकिया का, जो कल सामान खरीद के लाए थे अपना आइकिया हॉल, ये पूरा सेटअप करना है।